कितना पैसा कमाते हो, मंथली कितनी इनकम है, आपको कितना शॉर्ट फंड मिला, एक शॉर्ट वीडियो से कितना पैसा मिलता है, पैसा 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 पैसा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो फैक्ट्स माइन आप सभी का वेलकम करता है इस 1 मिलियन Q&A वीडियो में। आज मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया है कि आखिर मैंने यूट्यूब से कितना पैसा कमाया है और मेरी पहली इनकम कितनी थी विद स्क्रीनशॉट। और ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं या फिर न्यू चैनल बनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ 5 मंथ्स में 0 से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने तक का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। और साथ ही आप सभी के लिए एक गुड न्यूज भी है जो इस वीडियो के बीच में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपने यूट्यूब से कितना पैसा कमाया है? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। तो पहला क्वेश्चन है, भाई आप कहाँ रहते हो? भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी एज? मेरी एज है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी गर्लफ्रेंड है? नेक्स्ट, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, 5 या 50? चलिए मैं जवाब दे ही देता हूँ। तो गाइज मेरी कोई गर्लफ्रेंड, हेलो हेलो, मेरे बाबू ने थाना थाया? नहीं नहीं, पदली अभी था तुप तप। ठीक है ठीक है, मैं त्यूएने के बाद बात तलता हूँ। यार आप भी ना कैसे कैसे सवाल पूछते हो, जोड़ी बच्ची हो गया। नेक्स्ट, योर GF नेम। मेरे से ये 2 सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, एक तो मेरी GF और मैं कितने पैसे कमाता हूँ। दोस्तों मुझे आप सबके इरादे बिल्कुल नेक नहीं लग रहे। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक कौन सा यूज करते हो? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। दोस्तों मैं माइक यूज करता हूँ बोया BYM1। नेक्स्ट, कौन से ऐप पर एडिटिंग करते हो? गाइज मैं एडिटिंग के लिए अपने PC में फिल्मोरा का यूज करता हूँ, जिसका मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट, आप अपनी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी कैसे लिख लेते हो? तो गाइज मैं स्क्रिप्ट लिखने से पहले काफी ज्यादा रिसर्च करता हूँ, और जब तक मुझे खुद को वो स्क्रिप्ट बेस्ट ना लगे तब तक मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता। और हाँ, बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप फैक्ट कहाँ से लाते हो, तो गाइज उसके लिए कोई स्पेशल ग्रुप या वेबसाइट नहीं है। मैं बस इंटरनेट पर बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूँ, इसलिए कभी कभी मुझे 3-3 घंटे लग जाते हैं सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने में। नेक्स्ट, लव योर ऑल वीडियोस ब्रो, एक प्यारा सा हार्ट। डेली एक वीडियो डालना कितना मुश्किल या आसान था आपके लिए? सो फर्स्ट आई एम ग्लैड टू हियर दैट यू लव ऑल माय वीडियोस। और डेली एक वीडियो डालना स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब हर 5 मिनट में आपकी मोबाइल की नोटिफिकेशन आपको अपने पास बुलाना चाहती है, और जब आपके फ्रेंड्स आपको बुलाते हैं तो आपको दिल पर पत्थर रखकर मना करना होता है, क्योंकि आपने कसम खाई होती है कि कुछ भी हो जाए रोज एक वीडियो तो डालनी है। लेकिन दोस्तों जब आप स्टार्टिंग के 3-4 महीने मेहनत करते हुए निकाल देते हो तो शॉर्ट्स फंड की खुशी उन सारे गमों पर मरहम का काम करती है। नेक्स्ट, माय क्वेश्चन, योर अर्निंग्स एंड हाउ मेनी मंथ्स इट टेक टू मोनेटाइज योर चैनल एंड शॉर्ट फंड्स बोलो। भाई सवाल पूछ रहा है, धमकी दे रहा है, शॉर्ट फंड बोलो जल्दी, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। भाई साहब अर्निंग और शॉर्ट्स फंड का आगे बताता हूँ वीडियो में। हाँ मोनेटाइज की बात कर लेते हैं, मुझे ऑलमोस्ट 5 मंथ्स लगे इस चैनल को शॉर्ट से मोनेटाइज करने में। और हाँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत सवाल करते हैं कि क्या शॉर्ट से चैनल मोनेटाइज हो जाता है। भाई सिंपल आंसर है यस, शॉर्ट से चैनल मोनेटाइज हो जाता है। इसका जीता जागता प्रूफ है मेरा खुद का चैनल फैक्ट्स माइन, जिस पर आज तक सिर्फ शॉर्ट्स ही अपलोड की गई हैं। ये Q&A वीडियो मेरी पहली लॉन्ग वीडियो होगी इस चैनल की। तो आखिर शॉर्ट्स से मोनेटाइज कैसे होता है और क्या ब्राउजर फीचर से आने वाले व्यूज मोनेटाइजेशन के 4000 घंटे में काउंट होते हैं? तो इसका आंसर मैं आपको आगे वीडियो में देता हूँ, अभी Q&A कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन है? .. आई लव यू ब्रो, दिल दिल, प्लीज एक्सेप्ट माई प्रपोजल। ब्रदर जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, आई एम अ स्ट्रेट गाय। बाकी रहा आपका सवाल, तो शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें आज तक इस चैनल के बारे में पता भी नहीं है, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइस। काम इतनी शांति से करो जो तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। और अब जब आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो जैसे ही मुझे गोल्ड प्ले बटन मिलेगा फिर मैं सबको बता दूंगा, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस रिवील कब करोगे? हाँ, मैंने इसके बारे में सोचा तो है, कोशिश करेंगे जल्द ही आपको अपना चांद सा मुखड़ा दिखाने की। फिर जैसे ही आप YouTube ओपन करोगे तो आपको बस यही चांद नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके मम्मी पापा ने आपको सपोर्ट किया था YouTube के लिए? सेकंड, आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था आफ्टर 10th क्लास? सबसे पहले मेरे मम्मी पापा ने यूट्यूब के लिए मुझे फुल सपोर्ट किया है, जिसे कहते हैं 1000%। मेरे पेरेंट्स ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली ने मुझे हर तरीके से सपोर्ट और मोटिवेट किया है यूट्यूब के लिए। रही बात सब्जेक्ट की, तो मैंने 10th के बाद कॉमर्स ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट चेंज यू हैव ऑब्जर्व्ड आफ्टर बिकमिंग अ यूट्यूबर? तो इन्होंने पूछा है कि यूट्यूबर बनने के बाद आपने कौन सा बड़ा चेंज ऑब्जर्व किया है। तो सबसे पहला चेंज हुआ है अटेंशन में। मुझे ज्यादा अटेंशन मिलने लगी है उन लोगों से जो मेरे चैनल के बारे में जानते हैं, और जब मैं किसी को अपने चैनल के बारे में बताता हूँ तो उनके रिएक्शंस देखने लायक होते हैं, और कुछ लोग तो कभी कभी मेरे साथ सेल्फी लेने लगते हैं, तब मुझे एक सेलिब्रिटी की तरह फील होता है। लेकिन सब एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो, तो मैं उन सबको बोलता हूँ कि भाई एक यूट्यूब का चैनल बनाया है, ना कि नोट छापने की मशीन लगाई है। चलो अब मेन बात पर आते हैं कि मैं YouTube से कितना पैसा कमाता हूँ। लेकिन उससे पहले जो लोग YouTube पर आना चाहते हैं या पहले से कोई चैनल चला रहे हैं और उनकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए अब आगे की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और हाँ, एक सवाल जो मुझसे पूछा गया था और बहुत बार पूछा जाता है कि क्या शॉर्ट से चैनल मोनेटाइज होता है और कैसे? तो दोस्तों, शॉर्ट वीडियो से चैनल मोनेटाइज होता है, लेकिन शॉर्ट वीडियोस पर शॉर्ट फीड से आने वाले व्यूज का वॉच टाइम मोनेटाइजेशन में ऐड नहीं होता। और बहुत लोगों की वीडियो में मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि ब्राउजर फीचर का वॉच टाइम मोनेटाइजेशन में काउंट होता है, लेकिन मैंने अपने चैनल को घंटों एनालाइज करके जो नतीजे निकाले हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि ब्राउजर फीचर का वॉच टाइम ऐड होता है, क्योंकि मेरी एक वीडियो जो सबसे पहले वायरल हुई थी, कच्चा बादाम, अरे ये वाली नहीं, ये वाली, तो इस पर टोटल 35 मिलियन व्यूज हैं, जिसका टोटल वॉच टाइम लगभग 3,40,000 घंटे है। और अगर इसका एनालिटिक देखें तो इस पर 37% व्यूज, यानी कि 35 मिलियन में से लगभग 13 मिलियन व्यूज जो होते हैं 1,25,000 घंटे, ये मुझे मिले हैं ब्राउजर फीचर से। फिर भी मेरे 4,000 घंटे कंप्लीट नहीं हुए थे, इसीलिए ब्राउजर फीचर का वॉच टाइम भी नहीं जोड़ता। हालांकि शॉर्ट से चैनल मोनेटाइज होता है, क्योंकि मेरा खुद का चैनल शॉर्ट से ही मोनेटाइज हुआ है। तो जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये कि जब आपकी शॉर्ट एज अ वीडियो प्ले होती है तो उसका वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के 4,000 आवर्स में ऐड होता है। यानी कि ये मैटर नहीं करता कि आपके व्यूज ब्राउजर फीचर से आ रहे हैं या प्लेलिस्ट से आ रहे हैं या सर्च से आ रहे हैं, बस आपकी शॉर्ट एज अ वीडियो प्ले होनी चाहिए, तो वो वॉच टाइम आपके मोनेटाइजेशन में जरूर ऐड होगा। ये सब मैंने आपको मेरे खुद के चैनल पर की गई महीनों की रिसर्च से बताया है। तो फाइनली अब मैं दिखाता हूँ कि मेरी पहली अर्निंग जो यूट्यूब शॉर्ट फंड के जरिए आई थी, वो थी ये $127.70। इस फंड का मेल मुझे मार्च में मिला था, यानी कि फरवरी के महीने में मेरी टोटल शॉर्ट्स पर जितने व्यूज आए थे उसके अकॉर्डिंग मुझे मार्च में $127 मिले थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फरवरी में टोटल मुझे कितने व्यूज मिले थे। उससे पहले एक गुड न्यूज जो मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, वो ये कि अब हर वीकेंड पर, यानी कि सैटरडे या संडे को, आपको पूरी लंबी फैक्ट की वीडियो मिलेगी, बाकी सब दिन पहले की तरह ही शॉर्ट्स, बस हफ्ते के एंड में सैटरडे या संडे को आपको एक फुल वीडियो मिलेगी। चलिए अब वापस आते हैं व्यूज पर। हाँ, तो मुझे टोटल 28 मिलियन व्यूज मिले थे फरवरी में, जिसके मुझे $127 मिले थे। उसके बाद मार्च के महीने में मेरे 53 मिलियन व्यूज थे, जिसका शॉर्ट फंड मुझे अप्रैल में मिला था, जो था ये $0। जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही अजीब लगा था, क्योंकि मुझे 28 मिलियन पर शॉर्ट्स फंड मिला था, लेकिन 53 मिलियन पर कोई शॉर्ट फंड YouTube की तरफ से नहीं दिया गया। और ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब ना ही मेरे पास है और ना ही YouTube इसका जवाब देगी। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं एक शॉर्ट मोनेटाइजेशन की। सपोज कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और आपने अपनी शॉर्ट्स पर मोनेटाइजेशन एनेबल कर दिया है, तो कितने व्यूज पर आपको कितना पैसा मिलेगा? तो दोस्तों, पहले ही मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट वीडियो से अर्निंग बहुत ज्यादा कम होती है। कितनी कम होती है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि जितना एक शॉर्ट से अर्निंग होती है, उससे ज्यादा मैं उस एक शॉर्ट की एडिटिंग करवाने में एडिटर को पैसे दे देता हूँ। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि शॉर्ट से जो भी अर्निंग होती है वो सिर्फ आपकी शॉर्ट फंड से ही होती है, जिसका कोई पता नहीं है कि वो आपको कितने व्यूज पर कितना मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं।
सो आई होप कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब देते हुए आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो में, और जो भी मैंने आपको बताया है वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बाकी जिनके सवाल रह गए हैं या कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और मैंने अपने माइक, लैपटॉप, मोबाइल फोन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर ये सारी नॉलेज अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, एम करते हैं 50,000 लाइक्स का। और जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी शॉर्ट्स चेकआउट कर सकते हो।